राष्ट्रवंदन समिति के तत्वाधान में बुधवार को समाज सेवकों द्वारा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आम नागरिक की मदद के लिए चलाए जा रहे कोरोना सहायता अभियान के तहत बुधवार को बच्चों द्वारा शुभकामना संदेश लिखे भोजन के पैकेट जिला अस्पताल के इमरजेंसी में वितरित किया गया। बच्चों ने संदेशों में गेट वेल सून, आप शीघ्र स्वस्थ हो, आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं आदि संदेशों का डिब्बों पर मुस्कुराते हुए चेहरों को बनाकर मरीजों को दिया। इस दौरान गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह के नेतृत्व में गुजय के महामंत्री मनोज श्रीवास्तव गणेश, कोषाध्यक्ष वागीश चंद श्रीवास्तव, विजय खेमका, दुर्गेश त्रिपाठी, राजू लोहरुका सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के दुर्गेश त्रिपाठी और गुजय अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा, आप लोगों को भी लेना है भोजन? देखिए, जब से ये कोविड की दूसरी लहर शुरू हुई है तब से हम लोग के मन में विचार था कि कोविड में पीड़ित मरीज के साथ साथ उसके परिजन भी बहुत परेशान हैं और हम सब समाज के कुछ सक्रिय कार्यकर्ता मिल करके हम लोग ने विचार किया कि उनके परिजनों के भोजन की व्यवस्था हम लोग को करनी चाहिए। पिछले 12 तारीख से हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और जिला अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज समेत कई स्थानों पर हम लोग प्रतिदिन का लगभग 1200-1000 पैकेट भोजन का वितरण कर रहे हैं। साथ में मरीजों के लिए गर्म पानी, उनकी आवश्यकता पर दवाइयाँ और आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को दवाइयाँ और भोजन का वितरण हम लोग कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हम लोग जिला अस्पताल में आए हैं और आज के इस वितरण की विशेष बात यह है कि आज कुछ बच्चों ने इस भोजन के पैकेट पर गेट वेल सून और मरीजों के लिए शुभकामना के संदेश लिख करके भेजा है ताकि जो मरीज हैं जो उस सिचुएशन में अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है उसको कुछ पल के लिए कुछ लगे कि हाँ, हमारे लिए भी बाहर सोचने वाले लोग हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, श्रीमान विजय खेमका जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आज भोजन वितरण कर रहे हैं। मकसद यही है कि ये एक ऐसा रोग है कि इसमें अपने घर वाले ही अपना साथ छोड़ देते हैं, बहुत बार देखा जा रहा है। जो गरीब है वो इसकी जो कॉस्टली अफेयर्स है उसको मीट आउट नहीं कर पाता है, वो समाज एक दूरी बना कर रखता है। तो हम लोग के ये विजय जी के और वैष्णवी लान के और उनके साथ में दुर्गेश जी हैं या राजू लोहार का या उनकी पूरी टीम है, इन लोगों ने एक ऐसा बीड़ा उठाया कि जो समाज से कट रहे हैं लोग, उन लोगों को भी के साथ हम लोग खड़े होंगे तो समाज का और वर्ग भी जो होगा वो भी देखा देखी आएगा, क्योंकि ये कहावत है, देखा देखी धर्म और देखा देखी पाप। तो ये लोग धर्म का एक काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग भी गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की पूरी टीम आई हुई है और हम लोग वार्डों में जा जाकर एक एक मरीज का हाल पूछते हुए उन्हें साबुन, मास्क और भोजन वितरण कर रहे हैं, जिससे उनके मन में एक आत्मविश्वास आए और इस रोग से लड़ने की जो क्षमता के साथ में दवा के साथ में मनोभाव और आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं।